फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास एक गीजर की बॉडी है और ये कुछ गीजर का सामान रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस गीजर के अंदर जो ये गीजर है हमारा, इसके अंदर कुछ खराबी हुई है तो उसको हम यहाँ पे आज देखेंगे, रिप्लेस करेंगे। और अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप इस चीज को घर पर भी रिप्लेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, ये जो हमारे पास गीजर था इसको मैंने खोल लिया है क्योंकि इसके अंदर एक ग्लास वूल लगी हुई रहती है और कुछ इस तरीके का ये एक टब रहता है जो कि जिसके अंदर ये एक हीटिंग रोड लगी हुई रहती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें तीन स्क्रू है तो ये कुछ बेसिकली इसके अंदर इस तरीके से फिट रहता है, ये इस तरीके से ये इसके अंदर लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर ग्लास वूल लगी हुई रहती है और फिर इस तरीके का ये कैप होता है जो कि इसको कवर करके रखता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हुआ क्या है फ्रेंड्स, जो ये हमारे पास हीटिंग रोड है, जो इसकी हीटिंग रोड है जो आप देख रहे होंगे, ये इस पे कार्बाइड जम के या फ्लोराइड जम के ये जो हीटिंग रोड है वो फट चुकी है। ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ये फट गई है। इसका ये जो एक और पार्ट है ये कुछ इस प्रकार से इस पे लग रहा था जो कि फटने के कारण ये इससे अलग हो गया है। अब ये हमारे है जो हीटिंग रोड, वो आप मार्केट से नया भी परचेज कर सकते हो या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये हमारे पास 2000 वॉट का है तो हमने यहाँ पे एक इसी के साइज का यहाँ पे हमने एक नया हीटिंग रोड है वो परचेज कर लिया है। उसकी जगह हम इसको यहाँ लगाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो टर्मिनल है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आप इस नए वाले में भी देख सकते हो दो टर्मिनल है जिसपे हम न्यूट्रल फेस देंगे। और इसके कनेक्शन है वो आपको वीडियो के साथ साथ ही बताता जाऊंगा किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं और किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जो ये पुराने वाले हीटिंग रोड है इसको हम हटा लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीन बोल्ट है इसके, उसको खोल के इसको अलग कर लेंगे और जो नया वाला है उसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ब्लैक कलर की ग्रिप है अंदर की तरफ, जो अभी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। तो उस ग्रिप को जो नए वाले आप लगाओगे हीटिंग रोड उसके अंदर अच्छे से फिट करें, अन्यथा अगर ये हल्का सा भी कहीं से भी लूज रह गया तो आपका पानी लीक होता जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का था, जैसे कि हमारे न्यू वाला है कुछ इसी तरीके का था ये, पर ये इस पर फ्लोराइड जमने की वजह से ये गर्म होके और टूट गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे ये फट गया अंदर से। तो मैं इसको खोलने की कोशिश किया तो ये मेरे से टूट गया है। तो वैसे भी हमारे को बेसिकली इसको रिपेयर करना था तो मैंने इसको तोड़ कर ही निकाल लिया। अब लगाते हैं ये नया वाला इसकी जगह। फ्रेंड्स, मैंने इसको है जो यहाँ पे फिट कर लिया है और इसको बहुत अच्छे से टाइट कर दिया है जैसे कि हमारा पानी लीक ना हो। अब इस पूरे सेट को हम जो है इस टंकी के अंदर फिट कर लेते हैं। तो वैसे इसको बस इसके अंदर ऐसे तरीके से डालना है, पर फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे हमारे पास एक रबड़ की ग्रिप लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये ग्रिप है जो कि इसके यहाँ पे लगेगी कुछ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ग्रिप यहाँ पे लगा ली है और इसको भी आप यहाँ पे जो होल है इसके वो देख कर लगाए क्योंकि इसके नीचे भी यहाँ पे होल और होल है जिससे कि हमारी जो ये जो बाजा है इसके साथ बहुत ही टाइट से फिट होगा। तो अब इसको इसके अंदर लगाते हैं, ये कुछ इस प्रकार लगेगा। और अब इसको भी टाइट कर लेते हैं हम स्क्रू की मदद से। फ्रेंड्स, मैंने इसको है फिट कर लिया है इस टैंक के अंदर। तो इसको आप अच्छे से टाइट करें ताकि इसकी जो ग्रिप है उसके बीच में से यहाँ से पानी लीक ना हो क्योंकि ये जो हमारे गीजर है कुछ इस तरीके से जो दीवार पे लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके जो अब कनेक्शन है इसमें और क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ और जो इसके कनेक्शन है वो किस तरीके से होंगे वो आपको बता के फिर इसको बॉडी के अंदर पैक करते हैं और इसको लगाते हैं दीवार पे और टेस्टिंग करते हैं कि जो पानी है गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरे पास दो चीज देख सकते हो, दो रोड है, ये एक्चुअली में थर्मोस्टेट है और ये हमारे पास है वो 25 डिग्री से 75 डिग्री के दो थर्मोस्टेट है। उनको यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारी टंकी है उसके यहाँ पे दो होल है इस यहाँ पे, तो इन दोनों के अंदर ये लगेंगे। और फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन वो मैं आपको वीडियो के अंदर अभी बता दूंगा और इनका जो वर्क है वो क्या है वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो के अंदर, तो इनको हम फिट कर लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इन दोनों को फिट कर लिया है। अब करते हैं इनके कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो तार है ये पहले से ही हमारे पास इसके अंदर जो लग रहे थे वो कपल हो रखे हैं, तो मैं आपको बताता जाता हूँ कि किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो रेड वायर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड वायर है ये, इसके साथ में हमने एक LED कनेक्ट कर दी है जो कि हमारे को बताएगी कि पानी इस टाइम पे मतलब जो हमारा गीजर है वो ऑन हो चुका है। और दूसरी एक और जो LED है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे जो हमारे को बताएगी कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो
पहले जो ये रेड वाला वायर है फेज का, इसको जो थर्मोस्टेट है, इस दो थर्मोस्टेट में एक थर्मोस्टेट ऑलरेडी हमारे पास 75 डिग्री पर सेट है, उसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे फेज को कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो फेज तार है वो एक थर्मोस्टेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब जो दूसरा थर्मोस्टेट है उस थर्मोस्टेट के साथ हमारा जो न्यूट्रल तार है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। जो ये हमारे पास न्यूट्रल तार है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे फेज का कनेक्शन हमारे पास हो गया है, ये जो इस एक थर्मोस्टेट के साथ हो गया है, और जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो दूसरे थर्मोस्टेट के साथ हो गया है। एक एलईडी जो है मैंने यहाँ पे वो एक इस थर्मोस्टेट के साथ और एक दूसरे जो थर्मोस्टेट के साथ है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, और जो यहाँ पे दूसरी जो एलईडी है वो हमारे पास न्यूट्रल के साथ कनेक्ट रहेगी। और इस जो न्यूट्रल पॉइंट है इसके यहाँ पे हम दो तार निकाल लेंगे बीच में कट लगाकर, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें न्यूट्रल के साथ ही है, ये दोनों लगेंगे हमारे जो हमारी हीटिंग रॉड है उसके साथ में। तो इसको भी हम लगा लेते हैं अपनी जो हीटिंग रॉड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हीटिंग रॉड है इन न्यूट्रल के साथ में जो दो पॉइंट निकाले हैं हम उसको लगा लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है वो मैंने कर लिए हैं, यहाँ पे एक न्यूट्रल से जो मैंने दो पॉइंट निकाले थे वो एक तो कनेक्ट कर लिया है हीटिंग रोड के इस पॉइंट पर, और एक कर लिया है हीटिंग रोड के इस पॉइंट पर। और अब यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो हमारे पास दोनों थर्मोस्टेट है उसका अभी एक एक पॉइंट बाकी है, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बाकी है जिसको हम एक ऐसा सिंगल वायर लेके और इन दोनों को लूप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने इन दोनों थर्मोस्टेट को यहाँ पे लूप कर लिया है। अब यहाँ पे एक तार बज रहा है हमारे पास जो यहाँ पर ग्रीन कलर का वायर है, आपको यहाँ पे येलो ग्रीन दिख रहा होगा, ये अर्थिंग का वायर है। तो इसको आप बॉडी पे कहीं पे भी किसी भी नट के साथ में कस के और यहाँ पे छोड़ देंगे, जिससे कि जो हमारे अगर हीटिंग रोड के अंदर किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट होता है तो वो हमारी सीधा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, जो वोल्टेज है वो सीधा ग्राउंड में चला जाएगा, किसी को शॉक नहीं लगेगा। तो अब इसको कर लेते हैं बॉडी के अंदर पैक और फिर आपको दीवार पे इंस्टॉल करके और पानी गर्म करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको है जो पैक कर लिया है, इसके आप देख लोगे बारी बॉडी पे मैंने है ना एक ग्लास वुल लगाया है फ्रेंड्स। ये इस तरह की वुल होती है फ्रेंड्स, जो अंदर की जो गर्मी होती है, जो पानी गर्म हो जाता है उसको बाहर नहीं, उसकी उसमें जो बाहर नहीं आने देती, अगर उसकी उसमें अगर बाहर आएगी तो हमारी जो प्लास्टिक है वो पिघल सकती है। तो इस वजह से हम इस पर एक ग्लास वुल लगाते हैं। अब इसको करते हैं इस जो इसकी बॉडी है उसके अंदर पैक और फिर इसको दीवार पे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नीचे का जो बेस है मैंने वो लगा लिया है, और अब इसके जो एलईडी है उसको यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन और आपको रेड कलर की दिख रही होगी, तो ये आप देख के लगा उसके कनेक्शन इसमें कर देते हैं। करने से पहले फ्रेंड्स ये जो ऊपर की बॉडी है वो हम फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने जो गीजर है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, और इसका जो आउट और इनका जो वॉल है वो आप अच्छे से देख के लगाएं। जो ये एक्सप्लोजन वॉल लग रहा है वहां से है अपना गर्म पानी बाहर आता है, और जो साइड में जिसपे एक्सप्लोजन वॉल नहीं लग रहा है वहां से अपना ठंडा पानी अंदर जाता है। और इसको आप मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ऑन किया वहां पे ग्रीन लाइट देख सकते हो आप जल गई है, मतलब अभी अपना प्रेजेंट टाइम में पानी गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और ऐसी बहुत सी वीडियो मैंने बना रखी है, प्रोजेक्ट का वीडियो है जो मैंने अपलोड कर रखी है, आप प्रोजेक्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है वहां जाके देख सकते हो। और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।